पिंड सराली दे अंदर जिहड़ी घटना हुई है बड़ी ही दुखद है और ये घटना पंजाब दे अमन चैन नूं नज़र ला रही। पंजाब दे अंदर जिहड़ी सरकार है आम आदमी पार्टी दी वह गहरी कुंभकरण की नींद सुती है। उन्होंने बिल्कुल चिंता नहीं कि पंजाब नूं उन्होंने बरूद के ढेर वल नूं धक्क दिता। इन्ना कहण नाल गल नहीं चलेगी कि पाकिस्तान तो हथियार आया आया किस तरह से लिया कौन सी और चलिया किस तरह। ये दूजी घटना जिसके अंदर पुलिस दे पहले पुलिस हैडक्वार्टर चंडीगढ़ के अंदर रॉकेट लॉन्चर ना हमला होंदा और फिर हूँ पुलिस दे थाने दे उत्ते रॉकेट लॉन्चर ना हमला हो रहा है। ये पंजाब पुलिस का मोरल डोन करन का प्रयास हो रहा है लेकिन पंजाब की भगवंत मान की आम आदमी पार्टी की सरकार गहरी चुप्पी च है और लगातार घटनावां वध रही जिन्हों को सिक्योरिटीज है उन्हां दी हत्यावां हो रही लगातार। ये लगभग डेढ़ दर्जन घटनावां पिछले छे महीनों च पंजाब हो चुकी हैं और लगातार वो हत्यावां हो रही जिन्हां विच लोगों को सिक्योरिटी हो गई थी और पंजाब के अंदर लॉ एंड ऑर्डर जीरो पर पहुँच चुका है। लॉ एंड ऑर्डर के नाँ की कोई चीज़ नहीं दिस रही लेकिन भगवंत मान साहब पंजाब का लॉ एंड ऑर्डर पस्त हो चुका है लेकिन भगवंत साहब भगवंत मान साहब टूरिज्म च व्यस्त ने मस्त ने। अपने पंजाब का ध्यान करिए पंजाब नूं बचाने का ध्यान करिए पंजाब के लॉ एंड ऑर्डर का ध्यान करिए अपराधियों नूं फड़िए। अज तक स्पष्ट नहीं कर पाए भगवंत मान साहब कि सिख फॉर जस्टिस ने कहा कि साडा संबंध है असीं सरकार लैके आए हैं पंजाब च आम आदमी पार्टी इस च किन्नी कि सच्चाई है। कड़े कड़े ग्रुपां दी सपोर्ट नाल सरकार आई है जनता जानना चाहती है और पंजाब की हार्ड अर्न जड़ी पीस है उन्हें बचाया जाए पंजाबी भाईचारे को बचाया जाए पंजाबी भाईचारे को नज़र ना लगे इस भगवंत मान साहब टूरिज्म छोड़ो पंजाब के लॉ एंड ऑर्डर का ध्यान करो।